आपको अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज मिलता है गूगल फोटोज में अगर ये इनेबल करते हो तो। आपको गेमिंग में एक्स्ट्रा फ्रेम पर सेकंड मिलेगा अगर ये इनेबल करते हो तो। अगर ये इनेबल करते हो तो FPS इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, CPU इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हो। लीनियज OS में आपको फेस अनलॉक नहीं मिलता है, लेकिन कोरवस OS में आपको यहाँ फिंगरप्रिंट के साथ साथ फेस अनलॉक भी मिलेगा, आप देख सकते हो। कोरवस OS ये कस्टम रोम है जो AOSP पे बेस्ड है। अभी मैंने यहाँ पे वेनिला रोम को इंस्टॉल किया है तो आपको GFS देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप इंस्टॉल करते हो तो आपको साथ ही साथ एक GFS भी इंस्टॉल करना होगा। तो ये रोम कैसे डिफरेंट है बाकी कस्टम रोम से, चलिए देखते हैं। आप स्टेटस बार पे टाइल्स देख सकते हो, ये सिमिलर है बाकी आपके कस्टम रोम पे। आप यहाँ पे टाइल्स ऐड या रिमूव भी कर सकते हो इस तरह। यहाँ पे आपको डिवाइस सेटिंग और कोरवस सेटिंग दो डिफरेंट टैब मिलेंगे, जिसपे आप डिवाइस सेटिंग पे अगर आप आते हो तो आप यहाँ पे डिवाइस के सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। अगर आप कोरवस सेटिंग पे जाते हो तो यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग्स मिलते हैं, यहाँ पे आप बहुत सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, ये कस्टम रोम परफेक्ट है गेमिंग के लिए। तो अगर आप गेमिंग करते हो अपने मोबाइल पे तो ये परफेक्ट है आपके लिए, आपको बस सेटिंग चेंज करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप गेमिंग स्पेस पे आते हो, यहाँ पे आप डिसेबल हैंड्स अप कर सकते हो, लाइक कोई भी नोटिफिकेशन आपके नहीं आएंगे जब भी आप गेमिंग करते हो। आप रिंग को साइलेंट कर सकते हो ताकि अगर आपकी कॉल आती है तो वो साइलेंट होगी, कोई भी रिंग नहीं होगी। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, वाइब्रेशन पे भी रख सकते हो। ब्लॉक फुल स्क्रीन इवेंट है, तो लाइक आप गेमिंग कर रहे हो तो आपके स्क्रीन में दूसरा कोई भी नोटिफिकेशन या भी कोई भी कॉल के नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। सिमिलरली आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, लाइक स्क्रीनशॉट को आप डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पे आप लाइब्रेरी पे गेम्स को ऐड करके रख सकते हो, तो अगर आप चाहो तो यहीं से आप गेमिंग पे एंटर कर सकते हो। तो इस तरह आप लाइब्रेरी बना सकते हो। यहाँ पे थीम पे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे थीम पे आप चेंज कर सकते हो। सबसे बड़ा सेटिंग जो थीम का है, आप यहाँ पे कस्टम कलर चूज कर सकते हो। लाइक अगर आप यहाँ पे रेड करते हो आप इस तरह पूरे थीम्स के कलर को चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे रेड कर रहा हूँ, आप देख सकते हो पूरे थीम की कलर चेंज हो चुकी। तो इस तरह आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो थीम के कलर को। आप इसको ऑफ भी कर सकते हो, अगर आप इसको ऑफ कर देते हो तो ये डिफॉल्ट पे आ जाएगी। आप आइकन के पैकेज को चेंज कर सकते हो, आपके बहुत सारे प्रीडिफाइंड आइकन्स के पैकेज है, आप इसको चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो यहाँ पे। सिग्नल के आइकन्स को आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो। इस तरह आप सिग्नल के आइकन्स को भी चेंज कर सकते हो। आपके बहुत सारे प्रीडिफाइंड सिग्नल के आइकन दिए गए हैं जहाँ से आप चेंज कर सकते हो। आप आइकन के शेप को चेंज करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ से। टास्क बार के सारे सेटिंग्स आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर आप 4G के आइकन चाहते हो तो आप यहाँ पे 4G के आइकन देख सकते हो। आप वोल्टी के आइकन चाहते हो तो आप वोल्टी के आइकन देख सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारी कस्टमाइजेशन आपके स्टेटस बार के रिलेटेड कर सकते हो। आप स्टेटस बार पे डबल टैप करके भी फोन को लॉक कर सकते हो। स्टेटस बार के सारे आइटम्स को आप या रिमूव या ऐड कर सकते हो।
लॉक स्क्रीन पे अगर मैं आता हूं तो आप डबल टैप करके स्क्रीन लॉक कर सकते हो, डबल टैप करके आप स्क्रीन को वेकअप कर सकते हो, वो सारे फीचर्स भी आपको मिलते हैं यहाँ पे। लॉक स्क्रीन के क्लॉक स्टाइल को चेंज कर सकते हो। बटन और नेविगेशन में मैं आता हूं तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट बटन्स के फंक्शन को चेंज कर सकते हो। लाइक पावर बटन पे मैं फंक्शन चेंज करना चाहूँ तो मैं टॉर्च को इनेबल डिसेबल कर सकता हूँ। मैं लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ तो मेरी टॉर्च इनेबल हो जाएगी। बैटरी के आइकन को कस्टमाइज कर सकते हो, आप चाहो तो परसेंटेज ऐड करना चाहो बैटरी के आइकन्स को, तो यहाँ पे ये सारे आइकन्स को चेंज करने के लिए कस्टमाइजेशन दिए गए हैं। यहाँ से आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, कस्टम रखना चाहो तो कस्टम रख सकते हो आपके डिवाइस पे, आपके डिवाइस के इतने सारे दिए गए हैं। ये कोर्वस के वॉलपेपर है जिसको आप डाउनलोड करना चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो और उसको आप सेट कर सकते हो। आपके पिक्सेल्स के भी दिए गए हैं यहाँ पे। आप डार्क थीम से लाइट थीम भी कर सकते हो करना चाहो तो। अगर आपने मेरा लीनियज ओएस का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा लीनियज ओएस में आपको फेस अनलॉक नहीं मिलता है, लेकिन कोर्वस ओएस में आपको यहाँ फिंगरप्रिंट के साथ साथ फेस अनलॉक भी मिलेगा, आप देख सकते हो। डिस्प्ले पे मैं देखूं तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग्स मिलेंगे। फॉन्ट साइज आप चेंज कर सकते हो। आपको यहाँ एक कलर्स का ऑप्शन मिलता है जहां से आप कलर्स को चेंज कर सकते हो। नेचुरल रखना चाहते हो, आप बूस्टेड रखना चाहते हो, आप कलर देख सकते हो। यहाँ पे एक दो सैंपल आपको वॉलपेपर दिया गया है। आप सैचुरेटेड कलर चाहते हो या फिर आप एडेप्टिव चाहते हो, आप चेंज कर सकते हो। इवन आप मैनुअली एडजस्ट भी कर सकते हो चाहो तो। मैं बूस्टेड रख देता हूँ। यहाँ आपको डबल टैप टू वेक, डबल टैप टू स्लीप का ऑप्शन भी मिलता है जो कि आपको मिसिंग है लीनियज ओएस में। वेकअप ऑन प्लग आप इसको भी कर सकते हो कि जब भी आप पावर को कनेक्ट करते हो तो ये स्क्रीन ऑन हो जाएगी। आप ओटी अपडेट करना चाहो तो उसके लिए आपको यहाँ पे कोर्वस के आइकन को टैप करना होगा। यहाँ पे आपको ये यहाँ पे जाना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो चेक फॉर अपडेट, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। अगर अपडेट आपको अवेलेबल है तो आप डाउनलोड कर सकते हो, देन इंस्टॉल भी कर सकते हो।